नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताना चाह रहे हैं जिसको ज़्यादा व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं जानते। दोस्तों, ये सब्जी होती है केल की सब्जी। दोस्तों, केल हरे रंग की पत्तेदार सब्जी है जिसे भारत में करम साग के नाम से भी जाना जाता है। यह बारहसिंघा परिवार की सदस्य होती है। दोस्तों, बारहसिंघा परिवार दरअसल पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, सरसों जैसी सब्जियों में आती है। इसके सेवन से शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, केवल केल भारतीय सब्जी नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि इसी वजह से यह भारत में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है और यह सब्जी मंडी में आपको आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन यह मेट्रो शहरों और सुपर मार्केट में आपको मिल जाएगी। मेट्रो शहरों में केल की भाजी को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देशों से आयात किया जाता है। केल की पत्तियां हरे और बैंगनी रंग की होती है। यह काफ़ी मुलायम और घुंघराले साइज की होती है। इसके दुनिया की सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों में से इसे एक माना जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सब्जी बन जाती है। इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है। एक कप केल में सिर्फ 36 कैलोरी ही होती है। इसमें फैट न के बराबर होता है। चलिए अब आपको बताता हूँ इसकी सब्जी को खाने के कुछ अमूल्य फायदों के बारे में, इससे सेहत को होने वाले कुछ लाजवाब फायदों के बारे में। तो दोस्तों, इसका पहला फायदा आता है सबसे पहले आपकी आंखों के लिए। इसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। असल में केल में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है, इसलिए यह हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सब्जी होती है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा होता है ब्लड को बढ़ाने में। केल में आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जिससे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा यह शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को सही तरह से सप्लाई करने में मदद करता है। शरीर में आयरन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, ऐसे में इस सब्जी के सेवन से बाल गिरने भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है कि यह शरीर की अंदरूनी सफाई कर देता है। इसमें फाइबर और सल्फर पाया जाता है। ये दोनों शरीर की अंदरूनी रूप से सफाई करते हैं जिससे हमारे लीवर को भी फायदा होता है। कैंसर से दोस्तों ये आपको बचा सकता है। केल में एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, इसलिए केल की भाजी खाने से कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। दोस्तों, बॉडी की इम्यूनिटी को यह मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बना देता है। यह शरीर के जोड़ों में लचीलापन भी लाता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी यह कम करता है। इसके सेवन से शरीर का खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगता है जिससे आपको दिल के मरीजों और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सब्जी अब बन जाती है। नियमित रूप से अगर इस सब्जी का सेवन किया जाए तो कुछ ही दिनों में इसका फर्क देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यह फाइबर का भंडार होती है। एक कप केल में सिर्फ 36 कैलोरी होती है। इसमें 5 ग्राम फाइबर पाया जाता है और 3 ग्राम प्रोटीन भी होता है। इसमें 0 ग्राम फैट पाया जाता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इससे हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरी करने में काफ़ी मदद मिलती है, इसलिए इसके सेवन से वजन को भी कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है कि यह विटामिन ए से भरपूर होती है। इसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जिससे हमारी आँखें सेहतमंद बनी रहती है और आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। दोस्तों, विटामिन ए हमारी त्वचा और बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है जिससे आप ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगते हैं और आपके बाल भी सुंदर बन जाते हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर और मुंह का कैंसर होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है हड्डियों के लिए। केल में दूध के मुकाबले ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है जिससे हमारी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत बनती है। इसमें हड्डियों की कमजोरी दूर होती है और इसे नियमित रूप से खाने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, यह विटामिन के का खजाना होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें विटामिन के पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे किसी भी तरह के कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। साथ ही इससे हड्डियों को मजबूत बनाने और खून के थक्के को जमने से रोकने में भी काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, अस्थमा और गठिया में ये काफ़ी फायदेमंद होती है। केल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जिससे आर्थराइटिस और अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इसके सेवन से इन बीमारियों से आसानी से आप बच सकते हैं। दोस्तों, ये थे इसके कुछ अमूल्य फायदे, लेकिन इसको खाया किस प्रकार जाता है, इसको खाने का क्या तरीका होता है, आइए जान लेते हैं। आपको दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार 1 या 2 कप
केल का सेवन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा केल को रोजाना खाने से किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भाजी के अलावा बाजार में आपको केल के चिप्स और खाने का तेल भी मिल जाएगा। इस तेल का इस्तेमाल करने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है और आपके शरीर को लाभ भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी केल के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल में हम आपके लिए इसी प्रकार की हेल्थ जानकारी लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।